होप गाइज आप लोग सेफ होंगे, तो मैं लिखेगा नई वीडियो। तो गाइज आज है भाई 26th of February एंड भाई मैं जा रहा हूँ यार करोल बाग, बिकॉज मेरे को बाइक में ना थोड़ा सा काम कराना है, इसका आगे का टायर चेंज करना है और जिसका फ्रंट वाइज है ना इसमें थोड़ी सी कारीगरी करवानी है। ओ भाई कल रात में रेन हुआ था तो आप देख ही सकते हो कितना कीचड़ हो रखा है। एंड भाई जैसे द्वारका मोड़ से निकला हूँ ना तब से भाई इतना मतलब कि ट्रैफिक मिल रहा है ना रास्ते में, क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हो आगे। और इसका जो आगे का लाइट है ना वो भी चेंज करवाना है, बिकॉज जो पुराना लाइट है ना वो थोड़ा सा डिम हो गया है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी खुद ही बंद हो जाता है, तो इसलिए वो भी चेंज करवाना है। तो गैजर भाई अभी भाई द्वारका मोड़ से मैं उत्तम नगर क्रॉस कर लिया है एंड तब जाके भाई ट्रैफिक कम हुआ है, अभी रेड लाइट पे रुके हुए हैं। एंड कहाँ पर थे हम, हाँ तो यार आगे का टायर डलवाना है मेरे को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं दिखाऊंगा कौन सा टायर डलवा रहा हूँ और कितने का डलवा रहा हूँ। मैंने ना पीछे जो है ना हल्का सा ऑफ रोड टायर डलवाया है, तो आई वॉज थिंकिंग कि सेम वही टायर डलवाऊँ आगे, क्योंकि सेम हो जाएगा आगे पीछे फिर ना, तो ये सोच रहा हूँ मैं। तो गाइस यार एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ हम लोग को, ये आगे जो एफ जी जा रही है ना एक लड़की चला रही है भाई, और भाई भगाई जा रही है, भगाई जा रही है। क्या भाई रेस लगा रहे हो क्या? तो गाइस ये जो सामने स्कॉर्पियो वाला दिख रहा है ना ये बहुत ही गलत गाड़ी चला रहा है, अभी पीछे भाई एक बंदा ठुकते ठुकते बचा इससे। मतलब यार अगल बगल देखना ही नहीं है कि कोई गाड़ी वाला है या बाइक वाला है, पीछे बाइक वाला था वो ठुकते ठुकते बचा भाई इस गाड़ी से। गाड़ी का नंबर है DL10CL7168। तो गाइस यार करोल बाग तो पहुँच चुके हैं, आगे से एक लेफ्ट साइड को टर्न जाता है, तो जो बाइक मार्केट है उसके लिए मेरे को वहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो बस पहुँचने वाले हैं, आगे वाला टायर चेंज करना है, सेम जो पीछे लगा है ना सेम पीछे वाला वही लगवाना है। हाँ पीछे का टायर नहीं आगे का चाहिए, पीछे वाला लगवाया था अभी कुछ टाइम पहले, सेम वही टायर आगे लगाना है। कंपनी सेम मिल जाएगी ना? हाँ सेम कंपनी का लगाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ वो यहाँ से भाई टायर चेंज करवा रहे हैं। और कैसे हो अंकल जी? बढ़िया, ये सेम टायर पीछे वाला जो दलवाया था ना उसी कंपनी का चाहिए। हाँ नहीं नहीं चाय नहीं पीऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा, अभी खाना खा के आया अंकल जी। अरे थैंक यू। तो गाइस टायर तो भाई दलवा दिया है, 1500 समथिंग का पड़ा है, ठीक है। बाकी सब देख सकते हो भाई, और अभी जा रहे हैं भाई दूसरा काम करवाने अपना। यार ये चेंज कराना था इसका आगे का ना पूरा, ये टेपिंग। हाँ एक तो भैया ये इसका ये चेंज करनी है टेपिंग, और ये जो है ना ये छोटा लिखवाना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर लगाना है, आगे लग जाएगा।
तो गाइस यार करोल बाग से निकल चुके हैं एंड ये वाइजर देख रहे हो आगे, ये लगवाया मैंने और इस पे यूट्यूब का लोगो मतलब चैनल नेम और इंस्टाग्राम का लगा रखा है। यहाँ से देखने में तो थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि आदत में ना थोड़ा सा लंबा है पहले वाले से, ठीक है। तो कहीं आगे रुक के मैं आप लोग को लुक दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है भाई। तो यार ऐसा कुछ लुक आ रहा है इसका, ठीक है। देखने में तो थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है क्योंकि इसका जो हेडलाइट ना आगे का तो थोड़ा सा बड़ा सा है, तो उसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है ये मेरे को देखने में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा वाइजर ना बैग में स्पेस नहीं था तो मैंने अपने जैकेट के अंदर डाल रखा है। तो गाइस इधर करोल बाग के बाद मैं अपने दोस्तों के पास गया थोड़ा सा चिल करने के लिए एंड आफ्टर दैट जब मैं भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पता लगा कि भाई जो माइक है इसका वो ख़राब हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइस इधर यही एक छोटी सी मॉडिफिकेशन थी अपाची RDR 200 के ऊपर, जो इसकी लाइट की जो विजिबिलिटी है वो पहले वाले से थोड़ी कम है क्योंकि जो पहले वाला था वो नाइट आई का लगा हुआ था। बट मैं कुछ टाइम के बाद इसको भी चेंज करा लूँगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।